हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे वाज एंड वर का नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा वीडियो नंबर क्या होगा, पार्ट टू। ठीक है, मैं पार्ट वन बना चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल बता दूँ कि इसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल जानेंगे इसका। इसका रूल हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट। ठीक है, आज हम लोग इसका क्या सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, वाज एंड वर का निगेटिव सेंटेंस। तो वाज एंड वर के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या रूल, देख सकते हैं यहाँ पर वाज वर के बाद नॉट, तो ये हमारा हो जाएगा क्या रूल। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा होगा क्या वाज एंड वर का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होगा मैं दोषी नहीं था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छा समझ में आए, मैं दोषी नहीं था, मैं दोषी नहीं था। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा मैं, मैं का क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगता है वाज, आई वाज। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले रूल हम लोग को चेक करेंगे, तो रूल में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है मैं। ठीक है, तो मैं का होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है वाज, तो आई वाज हमारा वाज वर हो गया। अब बचा क्या नॉट, आई वाज नॉट दोषी, दोषी क्या होता है गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई। ठीक है, तो और हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आई, यू, वी, दे, आई वी यू दे और ही सी इट। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लगता है वाज, और ये तीनों के साथ क्या लगेगा वाज। यहाँ पर एक और रहेगा, जब भी किसी का नाम रहेगा, ठीक है, तो नाम के साथ भी क्या लगेगा वाज। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, किसी के नाम के साथ क्या लगेगा वाज, ही सी इट या फिर किसी का नाम, ये तीनों चारों के साथ क्या लगेगा वाज, आई वी आई के साथ वाज, और बचा क्या यू वी दे, ये तीनों के साथ क्या लगेगा वर, डब्ल्यू ई आर ई वर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं वर, वाज एंड वर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बेईमान नहीं थे, आप बेईमान, आप बेईमान नहीं थे। ठीक है, आप बेईमान नहीं थे, तो इसका क्या होगा, इसमें से सबसे पहले हम लोग रूल के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सब क्या हमारा सब्जेक्ट, ये मैं जितना भी लिखा हूँ क्या है ये सब सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें से सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा आप, और आपका क्या होता है यू, यू का होता है आप और तुम, तुम या आप। ठीक है, तो आप मतलब यू, अब यू, यू के साथ क्या लगेगा वाज या वर, ये दोनों में से क्या लगेगा यू के साथ, यू के साथ क्या लगेगा वर, यू के साथ वर, बस वर हो गया, उसके बाद नॉट, यू वर नॉट, नॉट के बाद बेईमान, बेईमान का क्या होता है डिसऑनेस्ट,
डिसऑनेस्ट, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल मैं कुछ नेम के साथ लेता हूँ, जैसे कि मोहन गरीब नहीं था। ठीक है, मोहन मोहन गरीब, मोहन गरीब नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या, मोहन गरीब नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन यानी कि नाम, नाम के साथ क्या लगता है, वाज। तो मोहन गरीब नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ पर लिख देंगे, मोहन मोहन नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, वाज, मोहन वाज। उसके बाद नॉट था, मोहन वाज नॉट, मोहन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज या वर। तो नेम मोहन एक नाम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। उसके बाद नॉट, मोहन वाज नॉट गरीब, गरीब का क्या होता है, पुअर। मोहन वाज नॉट पुअर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि सीता एक नर्स नहीं थी। ठीक है, सीता एक नर्स नहीं थी, सीता एक नर्स नहीं, सीता एक नर्स नहीं थी। जैसे कि तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीता, सीता एक नेम है, नेम के साथ क्या लगेगा, वाज। तो सीता वाज, उसके बाद वाज वर हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट, नॉट के साथ, उसके बाद सीता वाज नॉट ए नर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जगह पर क्या है ये, एक नर्स, ए नर्स। ठीक है, यानी कि सीता वाज नॉट अ नर्स। तो ये हो गया हमारा, और अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा भाई महान नहीं था। ठीक है, मेरा भाई महान नहीं था, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मेरा भाई, मेरा भाई महान, मेरा भाई महान नहीं था। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या, वाज या वर। तो माई ब्रदर के सब बाद वाज, उसके बाद नॉट, महान, महान का क्या होता है, ग्रेट। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हो, जैसे कि एक मैं और एक आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, तो रामू एक साधु नहीं था, रामू एक साधु नहीं था। ठीक है, रामू एक साधु नहीं था, रामू एक साधु नहीं था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, रामू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रामू यानी कि रामू। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज या वर। रामू के साथ क्या लगेगा, एक नाम है, नाम के साथ वाज, तो रामू वाज, उसके बाद नॉट, रामू वाज नॉट ए साधु। ठीक है, ए सेंट, SAINT। ठीक है, रामू वाज नॉट अ सेंट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसका एक और समझने का रूल्स है क्या, जैसे कि यूज़ ऑफ वाज एंड वर, इसमें अगर कोई भी पास्ट में कुछ नहीं था, जैसे कि इसका एक रूल होता है क्या,
कोई भी कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर लिख देते पहले कोई, पहले कोई कुछ नहीं था, ठीक है। इसका यही एक रूल है, पहले कोई कुछ नहीं था, जैसे कि ये वो था ये नहीं था, तो इसी को हम लोग तो आज यहाँ तक फिनिश करते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।